हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम लाए हैं आपके लिए बेहद ही खास सरप्राइज। दोस्तों, अगर आप अपनी रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को स्पेशल फील कराना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका पार्टनर अपने आप को एक खुशकिस्मत इंसान समझने लगेगा। आज की इस वीडियो से आपको काफी मदद मिलेगी। ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आप इस वीडियो को जरा भी स्किप कर देंगे तो आपको शायद ये प्रॉब्लम ठीक से समझ में ना आए। तो प्लीज दोस्तों, इसे पूरा देखें और आखिर में हमें अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन प्रॉब्लम की, जो शायद आप सभी ने कभी ना कभी जरूर फेस की होगी। अब ये कमी इस दौर की है या दौर में रहने वाले लोगों की, ये तो शायद पता नहीं, पर आजकल कैजुअल रिलेशनशिप के नाम पर एक दूसरे को किस तरह ठगा जा रहा है, ये आप भी देख रहे होंगे। आजकल कोई भी किसी से भी कह देता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, पर ये शब्द जितना बोलने में छोटा है उतना ही असल में नाजुक भी। प्यार करना तो बेहद आसान होता है, लेकिन उसे निभाना सबसे कठिन। हर रिश्ते की नींव विश्वास, ईमानदारी और समझदारी पर टिकी होती है। इन तीनों चीजों में से एक भी अपनी दिशा भूल जाए तो प्यार का रिश्ता वही कमजोर पड़ जाता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते। ऐसे में अक्सर रिश्ते टूटने की कगार पर आ जाते हैं। वही अक्सर हमारा पार्टनर अगर किसी से घुलना मिलना शुरू कर देता है तो शक के कारण भी रिश्तों में दरार आ जाती है, और ये दरार धीरे धीरे कब दीवार बन जाती है शायद सामने वाले को एहसास तक नहीं होता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 5 कारण बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से आपके रिश्ते में दरार आने लगती है। अगर आप हमारी बातों का ख्याल रखते हैं तो यकीन मानिए आपका पार्टनर किसी और को देखेगा भी नहीं। दूसरे रिश्तों के आगे अपने साथी को भूल जाना। कई बार ऐसा होता है कि जब आप अपने साथी के साथ किसी रिश्तेदार या दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं तो आप जाने अनजाने में अपने साथी को इग्नोर कर देते हैं। ये बात शायद आपको समझने में काफी छोटी लग रही होगी, पर इन छोटी छोटी बातों से ही आपका रिलेशनशिप खराब होने लगता है। अक्सर इस आदत की वजह से आपका पार्टनर इग्नोर फील करता है और रिश्तों में दरार आने लगती है। हर समय बिजी रहने की एक्टिंग करना भी काफी खतरनाक है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी है ही ऐसी, हर कोई अपनी जिंदगी में बिजी है, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी हम अपने आप में इतने मशरूफ हो जाते हैं कि अपने रिश्तों को अहमियत देना ही छोड़ देते हैं, काम को प्राथमिकता देने लगते हैं और भूल जाते हैं कि हमारी जिंदगी में काम के साथ साथ और भी रिश्ते जुड़े हैं। इसी कारण रिश्तों में दूरी आने लगती है और आपका रिश्ता टूटने की कगार पर जा पहुंचता है, और आपको ये बात काफी देर में पता लगती है। आप यही सोचते रहते हैं कि आपने ऐसा क्या किया जो ये रिश्ता आज इस कगार पर आकर खड़ा हो गया है। ऑनलाइन रहकर इग्नोर करना रिलेशनशिप टूटने का एक मेन कारण ये भी है। आज के समय में कई सारे रिश्ते सिर्फ ऑनलाइन पर ही टिके होते हैं, क्योंकि एक वर्ड काफी पॉपुलर है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, और ये रिलेशनशिप टोटल ऑनलाइन पर ही बेस्ड होता है। आजकल की डिजिटल दुनिया में लोग एक दूसरे को स्टॉक करना बखूबी जानते हैं। कई बार आप ऑनलाइन होते हैं और पार्टनर का मैसेज आने पर उसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आप ऑनलाइन रहकर किसी और से बात कर रहे होते हैं। आपका साफ तौर पर इग्नोर करना आपके पार्टनर को अच्छे से समझ आने लगता है, और आपका पार्टनर इग्नोर और चीटेड फील करता है। बस यही वजह शक का कारण बनती है और रिश्तों में दरार आ जाती है। रिश्तों में दरार आने का एक और कारण है अंडरस्टैंडिंग की कमी। रिश्तों में बहुत जरूरी है अंडरस्टैंडिंग। जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, आपके रिलेशनशिप के हेल्दी रहने के उतने ही ज्यादा चांस होंगे। लेकिन कुछ लोगों की आदत अपनी मनमानी करना होता है। उन्हें अपने पार्टनर की किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता और वे उनके किसी भी फैसले में उनकी हाँ या ना की कदर नहीं करते। यही वजह है कि हम अपने पार्टनर को अहमियत नहीं देते और वो हमें छोड़कर चला जाता है। समझदार पार्टनर जरूरी है, क्योंकि आजकल हर कोई अपने पार्टनर में एक मैच्योरिटी और समझदारी देखना पसंद करता है। अगर आप अपने पार्टनर को बस सुनते हैं और उन्हें समझते नहीं, तो आप अपनी अहमियत के साथ साथ उन्हें भी खो रहे हैं। एक मजबूत रिश्ते की नींव का एक पहलू समझदारी भी है। हो सकता है कि आप ज्यादा समझदार ना हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका पार्टनर कब उदास है और कब परेशान। उनकी हर बात को बिना कहे समझना आपके रिश्ते को मजबूत करता है।
लेकिन कई बार अपने पार्टनर से समझदारी की उम्मीद टूटने पर रिश्तों में दरार आ जाती है और इसके बाद आपके पास सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं बचता। तो दोस्तों, हमेशा अपने पार्टनर को स्पेशल फील करें, कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे कि उसे हर्ट होना पड़े। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी राय जरूर दें। और अगर हमारा ये वीडियो अगर आपकी रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने में थोड़ी सी भी मदद करता है तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।